Gujarat is set to become the first state in the country to implement mandatory voting in local civil governing bodies. With us is Gujarat Chief Minister Narendra Modi to discuss the Pandora's box of issues that this act might open. Welcome, sir. Thank you. You have absolute majority in the state assembly. What was the sudden need for this electoral reform? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंडेटरी वोटिंग को चुनाव के साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं है. हम सत्ता में हैं या नहीं है मुद्दा नहीं है. मैंडेटरी वोटिंग आज़ादी के 60 साल के बाद भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने का एक प्रयास है. विल हैव टू स्ट्रेंथन अवर डेमोक्रेसी, विल हैव टू ब्रिंग आउट दिस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स अप टू बूथ लेवल. अनलेस एंड अंटिल द एजुकेटेड मासेस, द सो कॉल्ड सोशल लीडर्स, intellectuals, economically sound society, if they are not going to participate in the political system, I'm surprised when this 2611 was happened in Mumbai, thousands of upper class society was on the street with the candlelights, but when last election was there, they did not go for the vote. So we'll have to think about it, and this is the time that country like India will have to take lead, and we must go for the mandatory voting. Gujarat initiated it, and I'm sure the country will follow it. But your detractors would like to say that perhaps you are forcing that class of voters, the urban literate voters who are seen as traditional supporters of your party. मैं समझता हूँ कि जब शत प्रतिशत मतदान की बात हो रही है उसके बाद तो ये तर्क बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि वोट देने वाले का लाभ चुनाव लड़ने वाले हर एक को मिलने वाला है, किसी एक वर्ग को मिलने वाला नहीं है. देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि देश के राजनीतिक दल टुकड़ों में सोचते हैं, गुटों में सोचते हैं. देश में एक सरकार ऐसी है कि जो सबके लिए सोचती है, हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं. और इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने का तरीका यही है कि टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्र में सोचा जाए. सो आर यू सेइंग दैट दिस वुड परहैप्स आल्सो फोर्स पॉलिटिशियंस टू थिंक बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल वोट बैंक्स? पहली बात यह है कि ये बात मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास है. आज हम कई वर्षों से कह रहे हैं कि चुनाव में खर्च कम होना चाहिए. ब्लैक मनी चुनाव में इतना घुस गया है कि देश के अर्थतंत्र को तबाह कर रहा है. कंपलसरी वोटिंग का सबसे बड़ा पहलू ये है कि चुनावी खर्चे को वो तुरंत कम करेगा, क्योंकि सब लोग वोट करने के जाने वाले हैं, और उसके कारण ब्लैक मनी का रोल मिनिमाइज होता जाएगा. और अगर ब्लैक मनी का रोल मिनिमाइज होता है, मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा. And has your government addressed the implementation issues, for example, how the punishment would be implemented and all those things? Punishment शब्द ठीक नहीं है. कुछ डिसिप्लिन आती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन आते हैं. अगर मान लीजिए हम कानून बनाते हैं कि हम अपने घर के बाहर कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे, और अगर कोई डालता है तो वो कोई क्रिमिनल एक्ट के रूप में थोड़ा ट्रीट होता है, उसको क्रिमिनलाइजेशन थोड़ा कहा जाएगा. तो कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कहें कि भाई आप कार खरीदने जाएंगे, तो आपको नई कार खरीदनी है, तो आप अपना वोट दिया था उसका सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, तो आप कार खरीद सकते हैं. कोई बहुत बड़ी बात है नहीं. और दूसरी विषय ये है, क्या 5 साल में एक बार देश के नागरिक को आधा घंटा देने के लिए देश कह नहीं सकता है क्या? 5 साल में एक बार, और वो भी आधा घंटा. दूसरी बात है इसकी किस प्रकार से उसको रेगुलर किया जाए, ये सारे विषय एक बार बिल पास होने के बाद सबकी सहमति से सबसे चर्चा करके करना चाहिए, ये हमारा मत रहा है. इसलिए हाउस में बिल पास होने के बाद हम सब राजनीतिक दलों को, एकेडमिशियंस को, टेक्नीशियंस को, सबको विश्वास में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं. But there would be certain constitutional issues also, because it is said that voting is fundamental right, not a duty. Have you consulted the election commission, for example? पहली बात ये है कि वैधानिक डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट बिल को वेट करता है.
वे करने के बाद ही वो आता है। और इसलिए बिल लाने से पहले भारत के संविधान की सारी व्यवस्थाओं को देखकर ही किया जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये बिल संविधान की हर कसौटी पर खरा उतरा है। और दूसरी बात है, दुनिया में सबसे डेमोक्रेसी का दावा करने वाले 32 से भी अधिक देश हैं जहां पर आज भी वोटिंग कंपलसरी है। आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देखिए, वहां पर पहले 40, 42, 45% वोट होता था, आज करीब 95-96% वोट हो रहा है। तो जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। आज तो स्थिति क्या है, 50% लोग वोट करते हैं, 26% वाला जीत जाता है और 26 वाला रूल करता है, 74% को कोई पूछने वाला नहीं है। ये व्यवस्था पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है, और 5 साल में एक बार अगर भारत के नागरिक का ऐसा एक है। और मैं जो लोग विरोध करते हैं, मैं कभी कभी हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं कि भाई आप चर्चा करने से पहले, विरोध करने से पहले आपने कभी सोचा है, इवन इन इटली कंपल्सरी वोटिंग इज देयर, राइट? So that's how you're rubbing the Congress, but the fact that the Congress party here in opposition is actually opposing the bill, how do you see the reaction of the central government to this bill? पहली बात है कि मैंने अभी हाउस में वो क्या स्टैंड लेंगे, चर्चा चल रही है, लेकिन टीवी डिबेट में कहीं मैंने जो उनको इंटरव्यू देखे हैं उसमें वो कंफ्यूज दिखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वाला तो बहुत बात की बात है, मेरिट पे डिबेट तो अभी शुरू अब होगा। Thank you so much. Thank you. So this was Gujarat Chief Minister Narendra Modi hoping that his bill that makes voting mandatory in local self-governing bodies would make participatory democracy more successful and make the politicians more moderate perhaps. With Maujooda Angadvi, this is Abhishek Kapoor in Gandhinagar for Times Now.